नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो आइटम के साथ एचएसएन कोड और जीएसटी रेट वाला जरूर देखा होगा। उसी सीरीज में मैं एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। इस फीचर के थ्रू आप सेल्स कॉलमनर रजिस्टर के अंदर जीएसटी परसेंटेज और जीएसटी एचएसएन कोड देख पाएंगे, साथ में उसको एक्सेल के अंदर भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे ताकि आप एक्सेल के अंदर रिपोर्ट्स इजीली क्रिएट कर सकें। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टैली के अंदर दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे काम करेगा। आप सेल्स रजिस्टर में आइए, जैसे मैंने जुलाई की मेरी सेल्स रजिस्टर खोला है, यहाँ आप F5 कॉलमनर पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे शो क्वांटिटी डिटेल्स, इसको आपको यस करना है और एंटर प्रेस करके यस करके इससे बाहर आना है। अब आप L-Tab 1, जैसे ही आप L-Tab 1 प्रेस करेंगे, आपको आइटम के साथ साथ उसकी रेट और HSN कोड ये भी दिखाई देंगे। अब आप चाहें तो इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बटन आपके ऊपर दिखाई देगा, LTE एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको नो करके और एक्सेल फाइल यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोकेशन डालेंगे जहाँ भी आप इस एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद उसकी फाइल का नाम जो भी आप डालना चाहें और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद एक्सेल फाइल कुछ इस तरह से खुलेगी, आप यहाँ यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ जीएसटी परसेंटेज का कॉलम और एचएसएन एसएससी का कॉलम आप यहाँ देख सकते हैं। आप चाहे तो इस डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ इस रो को सेलेक्ट कीजिए और फिल्टर बटन लगाइए। अब आपको 1, 2, 3, 4 जो आइटम है उसकी आपको टोटल सेल देखनी है, तो आप 1, 2, 3, 4 पर सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। इस तरह से आप टोटल 1, 2, 3, 4 आइटम के लिए देख सकते हैं। इसी तरह से आप 4, 2, 5, 6 के लिए भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो परसेंटेज के हिसाब से भी, अलग अलग परसेंटेज आपके हैं तो उस आइटम की सेल आप यहाँ परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस TDL को आपको कैसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट www.asansolution.in विजिट करनी होगी। यहाँ पर आप 22 सितंबर वाला आर्टिकल ओपन करेंगे जो कॉलमनर रिपोर्ट के लिए है। आप यहाँ नीचे आकर के इस डाउनलोड हेयर बटन से इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप डाउन एरो पर क्लिक करके, डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके इस तरह से यहाँ नीचे डाउनलोडिंग में शो होगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड जिस फोल्डर में हुआ है उस फोल्डर को ओपन करेंगे। डाउनलोड होने के बाद हमें इस फाइल को टैली के अंदर लोड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम टैली की इस फाइल की लोकेशन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करके कॉपी बटन पर प्रेस करेंगे और टैली अपन ओपन करेंगे। यहाँ आप TDL नाम से देख सकते हैं, यहाँ एक बार क्लिक करना है और F4 आपको प्रेस करना है। आप प्रीवियस TDLs को सबसे पहले ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ कंट्रोल एल्टर के साथ V प्रेस करना है पेस्ट करने के लिए। इसके बाद एक स्लैश लगाएंगे और फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके लिए आप रीनेम कर सकते हैं, रीनेम करके सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कॉपी प्रेस कीजिए और टैली के अंदर आकर के यहाँ कंट्रोल एल्टर V प्रेस कीजिए। इस तरह से आप इस फाइल का नाम लोड कर सकते हैं। एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करना है। इतना करने के बाद हम टैली से क्विट हो जाएंगे। एस्केप कीजिए, यस कीजिए और टैली को एक बार वापस से ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर आपको टाइप करना है आसान सॉल्यूशन। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं सेल रजिस्टर खोलेंगे। सेल रजिस्टर में कॉलमनर पर क्लिक करेंगे, शो क्वांटिटी डिटेल को यस करेंगे और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करके L-Tab 1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट और HSN HSC कोड आपको शो हो रहे होंगे।
इस तरह से आपको इस पूरे वीडियो को देख करके ठीक से एक्टिवेट करना है, और इस जो TDL है इसको आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टैली से रिलेटेड या GST से रिलेटेड या मेरे TDL जो मैंने बनाए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है तो आप यहाँ YouTube पर आकर के यहाँ लिखा है आसान सॉल्यूशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे और यहाँ आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ चाहें तो क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।